गाइस, आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को कैसे हम बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं गाइस। आज मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करना चाहूंगा गाइस, जिसकी वजह से आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकते हैं गाइस, मतलब कि 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं गाइस। वीडियो को एंड तक देखें गाइस, क्योंकि जो आज का लास्ट जो आपके पास टिप शेयर करूंगा गाइस, वो आपके लिए हो सकता है सक्सेस मंत्र गाइस, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स लाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं पहली टिप से गाइस, डिफीट योरसेल्फ का मतलब गाइस अपने आप को ही हराना। आपको यहां पे ये करना होगा गाइस, अपने आप को ही हराना होगा, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अपने आप को कैसे हराएंगे गाइस, तो अपने आप को हराने का मंत्र है यहाँ पे। आपको क्या करना होगा गाइस, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम हुए स्कूल के अंदर, उसके मार्क्स को आपको भूल जाना है और अपने फ्यूचर की ओर आगे बढ़ते रहना है। बोर्ड में 90% लाने हैं, वो आपका फ्यूचर होना चाहिए गाइस। आपको प्री बोर्ड के मार्क्स को नहीं देखना है गाइस, सिर्फ फ्यूचर पे आपको फोकस करना है, प्रेजेंट से लग जाना है और फ्यूचर की ओर बढ़ जाना है गाइस। दूसरी टिप्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ गाइस, वो ये है कि बच्चे सोचते हैं हमको कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी है जिसकी हेल्प से हम बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं गाइस। आपको कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस, सिर्फ आपको NCERT पे फोकस करना होगा, उसके सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करना होगा और 2 से 3 बार उस सिलेबस को रिवाइज करना होगा गाइस, जिसकी हेल्प से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स, मतलब कि 90% से ज्यादा स्कोर कर रहे होंगे गाइस। 2 से 3 बार विद एग्जाम्पल आपको वहां पर रिवाइज करना होगा गाइस। रामबाण इलाज होने वाला आपके लिए, वो है आपके लिए सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करते रहना है गाइस, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर करने में गाइस। नेक्स्ट जो हमारे पास टिप है वो है गाइस, अपने आपके जो वीक पॉइंट्स आपके, उसको देखना होगा आपके वीक पॉइंट्स कहाँ पे है गाइस। वीक पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना होगा गाइस, आपको अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाना होगा। वो आपके वीक पॉइंट्स कौन बताएगा आपको, चाहे तो आप खुद पता लगा लो कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है गाइस, या फिर आपके मार्क्स कहाँ पे कट रहे हैं, वो आपके टीचर आपको सजेस्ट कर सकते हैं गाइस, आपके कहाँ पे वीक पॉइंट है वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा गाइस, अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाना होगा गाइस, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। थर्ड टिप आपसे शेयर करना चाहता हूं गाइस, वो है टाइम। टाइम आपके मार्क्स को बढ़ा भी सकता है और टाइम आपके मार्क्स को घटा भी सकता है गाइस, वो आप पे डिपेंड करता है। आपका टाइम क्या है, आपका स्टडी प्लान क्या है, कैसे आप स्टडी कर रहे हो, क्या आप दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर अपनी बुक्स के साथ ज्यादा स्पेंड कर रहे हो गाइस। अगर बुक्स से ज्यादा स्पेंड कर रहे हो गाइस, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता गाइस। मेन जो टिप्स है, आप कितने घंटे सो रहे हो, 8 घंटे की जो आपकी स्लीप है उसको 6 घंटे कर देना गाइस। 6 घंटे मैक्सिमम आपके लिए होते हैं अच्छी नींद लेने में गाइस, तो 2 घंटे आपसे यहां से बच जाएंगे गाइस, जो आप पढ़ के 2 घंटे में अपने बोर्ड एग्जाम में 90% को अच्छे से स्कोर कर सकते हो गाइस। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट गाइस, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है आप में, सिर्फ कॉन्फिडेंस लाना है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए गाइस, कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को रिड्यूस कर देंगे गाइस। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना है, रिवाइज एंड रिवाइज अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करना, कंसिस्टेंटली अपने सिलेबस को रिवाइज करना है गाइस। ये नहीं कि एक बार मैंने पढ़ लिया मेरे को आ चुका है गाइस, आपको रिवाइज करना होगा कंसिस्टेंटली अगर आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है 90% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। अगर आपको बात करें गाइस, बच्चे जो है हिंदी और इंग्लिश और एसएस में इतना ध्यान नहीं लगाते हैं, सिर्फ साइंस और मैथ बार-बार पढ़ते रहते हैं, तो साइंस और मैथ तो पढ़ना है गाइस, परंतु हिंदी और इंग्लिश में भी ज्यादा फोकस करना है गाइस, उनको भी टाइम देना है, वो आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहे होंगे गाइस। आज की जो लास्ट टिप है, जो आपके लिए सक्सेस मंत्र होने जा रही है गाइस, वो है जो भी आपने पढ़ा है वो दूसरों को सिखाओ गाइस। क्या आपने पढ़ा है वो दूसरों को बताओ, आपकी तो नॉलेज बढ़ेगी बढ़ेगी, शायद दूसरों को भी नॉलेज मिल जाएंगी और आपके इस कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे गाइस। तो टीच अदर व्हाट यू हैव लर्न, जो आपने लर्न किया है वो भी दूसरों को बताओ गाइस, सिखाओ दूसरों को, जिससे क्या होगा आपको नॉलेज मिलेगी, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपके रिविजन होगी गाइस और दूसरे की भी बहुत ज्यादा वहां पे हेल्पफुल हो रही होगी। इसीलिए गाइस आपकी जो ये वाली टिप्स है वो आपके लिए सक्सेस मंत्र हो सकती है गाइस। समाप्त करती है आज के इस वीडियो लेक्चर को, मिलेंगे।